हरे कृष्णा। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं भरत महाराज के बारे में, है ना। नेचुरल बट डेंजरस अफेक्शन, है ना। तो एक जीव का दूसरे जीव के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह होता है, एक नेचुरल अफेक्शन होता है। लेकिन उस अफेक्शन को हम कहाँ देख रहे हैं? बॉडीली लेवल पे देख रहे हैं, मेंटल लेवल पे देख रहे हैं, या सोल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, है ना। तो भरत महाराज जो अपना राज्य अपने घर वालों को अपनी प्रजा को छोड़कर आए जंगल में, और एक छोटे से हिरण से आसक्त हो गए, है ना। तो भक्ति में हम अपने भावनाओं को जीरो नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, वो तो होंगी, लेकिन उन भावनाओं को, इन इमोशंस को प्यूरिफाई करना होगा। प्यूरिफाई करने का अर्थ है वास्तव में सामने वाला वाले का हित किस में है ना, और वो है कौन, किसकी हम मदद करना चाह रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि संन्यास लेने के बाद भी कभी कभी मैं अपने घर वालों के बारे में सोचता था, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका और अलग अलग जगह प्रचार कर रहे थे, तो उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था वृंदावन नाथ, वो भी किसी तरह से सेटल हो जाए, उनका बिजनेस हो जाए। तो प्रभुपाद ने उनको कुछ योजना बताया, है ना, कि आप कुछ बुक्स ले सकते हैं, है ना। बुक्स लेने के बाद आप पश्चिम बंगाल में बंगाली में बुक वितरण कर सकते हैं, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे घर चला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपने घर वालों के अरेंजमेंट के बारे में भी प्रभुपाद सोच रहे थे संन्यास लेने के बाद भी। लेकिन जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, जिसको बोलते हैं मर्यादा, लिमिटेशंस, अगर मर्यादा में रहकर, मर्यादा का उल्लंघन करके, हमारी जो लिमिट्स हैं उसको पार करके अगर हम किसी की हेल्प करने का प्रयास करेंगे गलत स्तर पर, तो क्या होगा, जैसे भरत महाराज के साथ में हुआ, है ना। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट फीचर है कि गुरु को किस तरह देखा जाता है, एक फादर की तरह, है ना। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण वृत्तांत आता है कि रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के कई गुरु हुए हैं, है ना। उनमें से एक गुरु जो थे जिनका नाम है महापूर्ण, है ना। तो जो महापूर्ण थे वो शूद्र परिवार से थे और रामानुजाचार्य ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन क्योंकि वो भक्त थे तो रामानुजाचार्य ने महापूर्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो फिर एक समय क्या आया, जो महापूर्ण थे उनकी पुत्री का विवाह एक जगह हुआ, है ना। तो उनकी पुत्री जब अपने इन लॉज के घर गई, ससुराल गई, तो वहाँ पर उनकी जो मदर इन लॉ थी वो बोलने लगी कि तुमको कुछ काम करना नहीं आता है, कोई सेवक लेके नहीं आई हो, है ना। कुछ एक सेवक लेके आती तो वो कुछ काम करता। तो उनकी जो पुत्री है महापूर्ण के घर जाती हैं, अपने पिताजी के घर जाती हैं और बताती हैं कि मेरे जो ससुराल है वहाँ पर ऐसी कंप्लेन आ रही है, कोई सेवक को लेके नहीं आई हो, है ना। तो महापूर्ण जो है रामानुजाचार्य को बुलाते हैं और रामानुजाचार्य से बोलते हैं कि कोई है ऐसा सेवक जो जा सके। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं हाँ है, एक सेवक है, क्या कौन है, दशरथी, उनका नाम है दशरथी। अच्छा ठीक है, तो दशरथी को बुलाओ। दशरथी को बुलाते हैं और जो महापूर्ण की जो पुत्री है उनके साथ सेवक की तरह भेज देते हैं, है ना। तो सब बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सेवक है उसको महापूर्ण अपने पुत्री के घर भेज रहे हैं, है ना। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि हमारे गुरु हमारे पिता के समान हैं और उनके पिता अपने मेरे पिता के घर में कुछ समस्या हो रही है तो सेवक जा सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक कल्चर का भाग है कि जो शिष्य हैं गुरु को एक पिता के रूप में देखते हैं, और जैसे पिता और पुत्र के बीच में एक अफेक्शन होता है, उसी तरह से शिष्य और गुरु के बीच में एक अफेक्शन होता है ना। तो जबकि जो मायावादी हैं, मायावादी मतलब इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो सारे इमोशंस को खत्म करना चाहते हैं, है ना। अगर वही हिरण नदी में डूबने वाला होता तो एक मायावादी क्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है,
किसी की कोई मदद करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो भक्त ऐसे नहीं होते, है ना। और हमने कल चर्चा किया था कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कभी कभी उनका पतन होता है। हम देखते हैं कई बार न्यूज में आता है ऐसा कि उनका फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया है। तो कई लोगों का तो वास्तव में होता है, मतलब वास्तव में ऐसे वो इलिसिट रिलेशनशिप में होते हैं, उसकी वजह से होता है। लेकिन कहीं कहीं जेन्युइन भी होते हैं, सही गुरु भी होते हैं, उनका भी ऐसे हो जाता है। क्यों है? अगर वो गुरु हैं, ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, किसी माता जी को प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते गए और उन्होंने जो मर्यादा है उसके अंदर में नहीं रहे, मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, तो वो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है फिर, है ना। और हम ऐसे देखते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम कंपैशन है, जो करुणा है, या प्रेम है, या स्नेह है, उसको हम सोल प्लेटफॉर्म पर लगाएं और उसकी लिमिटेशंस हैं उसको पार नहीं करें। नहीं तो क्या है, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ेगा 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 और एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम भक्ति से पूरी तरह से गिर जाएंगे। और प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जब प्रारंभ के दिनों में न्यूयॉर्क में और अलग अलग जगह जब प्रभुपाद जब, तो उनके जो सेक्रेटरी थे, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, शिष्य और शिष्या दोनों सेक्रेटरी थे, उनके पति पत्नी दोनों सेक्रेटरी थे, और दोनों लोग कोई कुकिंग करते थे, कोई क्लीनिंग करते थे, कोई लेटर टाइप करना है, मेल करना है, वो सब करते थे, है ना। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, जब मूवमेंट बहुत बढ़ गया, है ना, बहुत सारे शिष्य हो गए, तो एक बार श्रील प्रभुपाद कलकत्ता आए, और कलकत्ता में अपने रूम में बैठे हुए थे, और उनके सेवक थे श्रुति कीर्ति प्रभु, वो भी वहाँ बैठे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी की आयु थी उस समय 70 साल, और उनकी सिस्टर आई जिनका नाम था भावतरणी माता जी, उनकी आयु थी 60 ईयर्स। वो भावतरणी माता जी वहाँ पर आती हैं, और उन प्रभुपाद जी के सेवक हैं वो उड़ जाते हैं और निकल रूम छोड़ के जाना चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते कि नहीं, तुम भी यहाँ बैठो मेरे साथ में, है ना, कि किसी भी मैं कोई भी स्त्री है उनसे मैं अकेले में बात करना नहीं चाहता, कोई तुम भी साथ में होना चाहिए। अभी प्रभुपाद 70 ईयर के हैं, उनकी सिस्टर 60 ईयर की हैं, और ऐसा कुछ मन में ऐसा कुछ विचार आ भी नहीं सकता है दूर दूर तक। लेकिन प्रभुपाद फिर भी सिखा रहे हैं कि हमारी लिमिट्स क्या होना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से भक्तों में भी अच्छे संबंध होना चाहिए, है ना, लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलिट्री की तरह बस कोई फीलिंग नहीं, बस कृष्ण है उनकी सेवा करना है। भक्तों के बीच में भी आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन वो जो रेसिप्रोकेशन हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो भौतिक स्तर पर ना हो जाए, है ना, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद कल क्या बताए थे, द लॉज ऑफ नेचर वर्क इन सटल वेस अननोन टू अस, जो प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं कि हमको पता नहीं चलता क्या हो गया, है ना। तो इसीलिए मन पे डोंट ट्रस्ट द माइंड, कभी मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मन क्या है, हमेशा चीट करेगा। और आज हम जो टीचिंग्स देखने वाले हैं जड़ भरत की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल पॉइंट क्या है, डोंट ट्रस्ट द माइंड, मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। कितने भी शुरुआत कितनी भी अच्छी हुई हो, है ना, हमारा जेन्युइन रीजन हो, लेकिन मन क्या हमेशा चीट करेगा, इसलिए मन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कल हमने अंतिम में देखा कि भरत महाराज ने अपनी जो मर्यादा थी उसका उल्लंघन कर दिया, है ना, और उसको मर्यादा को पार करके हिरण के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए। और अंतिम समय में क्या हुआ, मृत्यु के समय उनको हिरण का स्मरण आया और हिरण का उनको शरीर मिल गया। अभी हिरण का शरीर मिलने के बाद वो बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने, मेरा इतना बड़ा राज्य था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, है ना, मैं उनको छोड़ के जंगल में आया था, एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में मैं रह रहा था, है ना, आत्मसंयमी था, स्वरूप सिद्ध था, है ना, और भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में लगा हुआ था, भाव की अवस्था तक पहुंच गया था, लेकिन कितना मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एक हिरण से आसक्त हो गया और उसके कारण आज मुझे हिरण का शरीर मिला है, है ना। तो ये जो पूरा भरत महाराज का पूरा वृत्तांत है, उससे हम क्या क्या सीख ले सकते हैं वो देखते हैं। तो कभी कभी भी हमें, जब हम डिवोशनल सर्विस भक्ति कर रहे हैं, तो कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि अब तो मैं माया से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ,
है ना, अब तो मुझे माया बिल्कुल स्पर्श कर ही नहीं सकती। मैं अच्छी तरह जप कर रहा हूँ, अच्छी तरह सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता कैसे भी। नहीं, कभी भी मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो कभी भी हम लाइट ना लें। दूसरा क्या सीख सकते हैं, अगर हमने लाइट लिया, अगर हमने हल्के में लिया, तो तुरंत उसका दंड मिलेगा, तुरंत उसकी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन भक्तों के जीवन में पनिशमेंट जो होती है और अभक्तों के जीवन में पनिशमेंट होती है, थोड़ा अंतर होता है। भक्तों के जीवन में जो सजा मिलती है वो कैसी होती है, भगवान उसको इस तरह से सुधारते हैं, इस तरह से रेक्टिफाई करते हैं कि भगवान के पास जाने की इच्छा और तीव्र हो जाए, उनकी जो डिज़ायर है और तीव्र हो जाए। लेकिन अभक्तों के केस में क्या होता है, वो तो पूरी तरह से आउट हो जाते हैं। और क्या शिक्षा ले सकते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एक गुण है कि कोई भी जीवन का कोई भी क्षण हमें वेस्ट नहीं करना है ना। अव्यर्थ कालत्वम, आलस्य, लेजीनेस, वो नहीं। एक एक क्षण, एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों सोने की मुद्राएं देकर भी हम समय को वापस नहीं ला सकते, है ना। और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इस्कॉन के मेंबर्स को प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया है, तो भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लें कि थोड़े भी असावधान हुए, थोड़ी भी मिस्टेक किया, तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो उनको प्रजल्प में, अनावश्यक बातों में, अनावश्यक तरीके सोने में और बहुत ज़्यादा खाने में, इस ये करेंगे तो पतन हो जाएगा, है ना। फिर जो हिरण है वो क्या करते हैं, उनका जहाँ जन्म हुआ था, जिस पर्वत का नाम था कालंजर, उस कालंजर पर्वत को छोड़कर, मतलब जो हिरण के माता पिता थे उनको वो छोड़कर, वो जो भरत महाराज अभी हिरण बने हैं, वो चले जाते हैं पुलह आश्रम में, दोबारा पुलह आश्रम में पहुंच जाते हैं। और पुलह आश्रम में पहुंचकर फिर से ही वही गतिविधियां वो चालू कर देते हैं, है ना। गंडकी नदी में स्नान करना है, और उनको अपने पूर्व जन्म का पूरी तरह से स्मरण था, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल केस है, क्योंकि भरत महाराज की तीव्रता, इंटेंसिटी इतनी अधिक थी शुरू में, तो उसकी वजह से भगवान ने एक कंसेशन दिया कि आप पिछली जो अपनी जो आपने गलती किया उसको याद रख सको, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्तों का संग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, है ना। और प्रभुपाद महत्वपूर्ण लिख रहे हैं कि इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो इस्कॉन सोसाइटी में आए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन को पूर्ण बनाने का, परफेक्ट बनाने का। और ये सोसाइटी कैसी, एक फ्री होटल नहीं है, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द सोसाइटी इज नॉट लाइक ए फ्री होटल, है ना, कि सब रहना खाना सब बढ़िया चल रहा है, नहीं। जैसी आपकी इंटेंसिटी कम हुई, वैसी अलग अलग अनर्थ आना चालू हो जाएंगे। और फिर जो हिरण थे भरत महाराज, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और शरीर त्यागने के पश्चात उनको अगला शरीर प्राप्त हुआ, ठीक है। वो क्या था, वो आज हमारा डिस्कशन है। तो ये अध्याय 9 है, जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र, है ना। तो एक स्थान था जहाँ पर बहुत ही उच्च कुलीन एक ब्राह्मण थे, है ना। उन ब्राह्मण की 2 पत्नियाँ थीं, है ना। एक पत्नी के 9 पुत्र थे, है ना। और ब्राह्मण में बहुत अच्छे गुण थे, आत्मसंयमी थे, मन पर, इंद्रियों पर संयम था, दान देने की प्रवृत्ति है, विनम्रता थी, और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, है ना। और जो भी अच्छे गोत्र में थे वो, है ना। तो उनकी 2 पत्नियों में से पहली पत्नी के 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी के 2 संतानें हुई, जुड़वा भाई बहन हुए। और उसमें से जो भाई थे उन वो थे जिनका नाम पड़ा जड़ भरत, है ना। तो भरत महाराज, फिर हिरण के रूप में, और फिर जड़ भरत, है ना। तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते, है ना। जब कोई भक्ति के रास्ते में आता है, योग के रास्ते में जाता है, और पूर्ण किए बिना उसका पतन हो जाता है, तो उसको अगला जन्म कैसा मिलता है,
या तो एक कुलीन ब्राह्मण के परिवार में मिलता है या कोई एक समृद्ध परिवार में मिलता है, है ना। क्यों होता है ऐसा कि अगर कुलीन ब्राह्मण क्या मिल रहा है तो बचपन से ही वो इस तरह के संस्कार सीखेंगे जिससे भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले। और समृद्ध परिवार में क्यों मिलता है, जिससे उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़े, उसको शरीर यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए सब कुछ प्रबंध है, जिससे वो अधिक से अधिक समय अपना भक्ति में सेवा में बिताए, है ना। तो इस तरह से भरत महाराज का जो तीसरा जन्म था वो एक ब्राह्मण कुल में हुआ। तो जो जड़ भरत थे उनको अपना दोनों जीवन याद थे, हिरण वाला भी याद था और भरत महाराज वाला भी याद था, ठीक है। तो वो हमेशा कोई गलत संग ना हो जाए उसके लिए बहुत सतर्क रहते थे, क्योंकि उनको पता था गलत संग से दो जीवन मेरे खराब हो गए, थोड़े से गलत संग से दो जीवन खराब हो गए। तो बिल्कुल भी वो गलत संग से एकदम सतर्क रहते थे। वो किस तरह से रहते थे, जैसे कि वो एक पागल की तरह व्यवहार करते थे, है ना, जैसे बुद्धिहीन, है ना, ऐसे अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, जो उनका वो बोला जाता था उसका वो उल्टा करते थे। ये काम करना है तो उल्टा करेंगे, सुबह करना है तो शाम को करेंगे, सब काम क्या है वो उल्टा करते थे। वो इसलिए ऐसा काम करते थे कि सब व्यक्ति उसको उनको सोचें कि ये तो पागल आदमी है, ठीक है, पागल है तो उसी के हाल पे छोड़ दें, और जिससे वो अंदर से भक्ति में स्थित रह सके, है ना। और अंतःकरण में वो हमेशा भगवान विष्णु पर, कृष्ण पर ध्यान करते थे, ठीक है। अभी उनके जो पिता थे ब्राह्मण पिता, उनको अपने ये जो छोटा भरत था उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, है ना। अभी ब्राह्मण कुल में है, ब्राह्मण पिता है तो चाहेंगे कि शास्त्रों को अच्छी तरह पता हो, वेद पढ़े हो, वेद कंठस्थ हो, है ना, तो बताते रहते थे। लेकिन जड़ भरत क्या थे, सीखने नहीं चाहते थे, है ना। वो बोलते थे, उनके पिताजी बोलते थे कि शौच के बाद में हाथ धोना है, स्नान करना है, तो वो शौच से पहले स्नान करते थे फिर हाथ धोते थे फिर शौच के लिए जाते थे। तो जो भी काम कर रहे हैं रूटीन काम सब उल्टा कर रहे हैं, है ना। तो पिता उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो सीख ही नहीं रहे, है ना। फिर वो थोड़े बड़े हुए तो उनके घर वालों ने सोचा कि इनका विवाह करना चाहिए, है ना। लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था कि कौन विवाह करेगा इनसे, पागल व्यक्ति से, है ना, इसको समय का ही नहीं पता, है ना। अभी हम देखेंगे वो क्या क्या कर रहे हैं। उनके पिताजी ने उनको साफ सुथरा रहना सिखाया और विग्रह पूजा करते समय प्रक्षालन करना होता, आचमन करना सिखाया, तो भी नहीं, कुछ नहीं, सब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ धीरे धीरे, उनके पिताजी ने उनको शास्त्रों के विधि विधान सिखाना चालू, क्या क्या थे, वैदिक अनुष्ठान, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ, ये सब अलग अलग चीज़ें सिखाना चालू किया। लेकिन बहुत भरसक प्रयास कर लिया, जड़ भरत सीखने को तैयार ही नहीं है, है ना। उनकी बहुत तीव्र आशा थी क्योंकि वो सबसे छोटे थे ना घर में, जो छोटा होता है उससे ज़्यादा थोड़ा लगाव होता है। तो पिताजी सोच रहे थे कि इसको मैं सिखाऊंगा अच्छी तरह से, अपनी तरह ब्राह्मण बनाऊंगा, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे वो तो, है ना। तो उनके जो पिताजी हैं अपने पुत्र से भी आसक्त थे और घर से भी बहुत आसक्त थे। तो ऐसा उनका समय निकला जा रहा था, निकला जा रहा था, निकला जा रहा था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लिख रहे थे कि वो मृत्यु को भूल गए थे लेकिन मृत्यु ने उनको नहीं भुलाया था, है ना। और एक दिन ऐसा हुआ उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, है ना, और उनकी पिताजी के, जड़ भरत के पिताजी का मृत्यु हुआ, और मृत्यु के साथ में जड़ भरत की जो माँ थी वो भी उनके साथ में उन्होंने अपने आप को मतलब जला लिया, ठीक है। अभी जड़ भरत जो है उनके माता पिता नहीं बचे, अभी कौन है, उनके भाई हैं, दूसरे भाई हैं और उनकी सौतेली माँ है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा अब अच्छा है, इससे अच्छे घर के काम कराएंगे, है ना, इसे खूब, और उनको जो भी बोलते थे वो कभी मना नहीं करते थे।
उनको डांटेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे ये करके लाओ कर देंगे, और जहाँ जैसी सिखाने का कोई प्रयास करेगा उल्टा करेंगे। तो सब जो भाई थे उनकी जो सौतेली माँ थी बोलती थी अब ये अच्छा है, हट्टा कट्टा है, वो अच्छे हट्टे कट्टे थे है ना, और अच्छा शरीर अच्छा था, बलिष्ठ था है ना, कोई भी भारी चीज़ उठाना है रखना है वो सब वो कर लेते थे है ना। तो पिता की इसमें लिखा है उनके जो भाई थे, जो नौ भाई थे, उन्होंने सब तरह के वेदों को सीखना चालू कर दिया है ना, और वेदों को कंठस्थ करना चालू कर दिया, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब में पारंगत हो गए है ना। लेकिन भक्ति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि जड़ भरत का क्या था, उल्टा था, उनको कोई शास्त्रों के जो विधि विधान है, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, उसमें कोई रुचि नहीं थी उनकी। उनकी रुचि किस में थी, भगवान की सेवा करने में, जबकि उनके भाइयों की रुचि किस में थी, वेदों के डिटेल्स में, लेकिन उनकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। तो एक पूरा हम देख सकते हैं दोनों में ड्रास्टिक अंतर क्या है ना। कई लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके विधि विधानों में, उसके डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन शास्त्रों का जो एसेंस है उसको भूल जाते हैं, उसके सार को भूल जाते हैं। लेकिन जो जड़ भरत थे वो शास्त्रों का जो एसेंस है, सार है, उसको पकड़ के रखे हुए थे। तो अभी आगे हुआ है ना, तो जो उनके भाई थे और आसपास के समाज के लोग थे, उनको ऐसे बहुत निंदा करते थे जड़ भरत की है ना, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, मोटा है, भद्दा है, ऐसे ही बोलते थे। जड़ भरत कुछ नहीं, जड़ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना, ना तो प्रतिवाद करते, ना कभी उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देते कि जो तुम बोल रहे हो गलत है, ना कभी क्रोध करते। ऐसा होता है ना, अगर कोई क्रोध करे तो उस सामने वाले को और बढ़ावा मिल जाता है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं, कुछ कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस चल रहे हैं बस है ना। कि अभी उनका जीवन कैसा था, उनके भाई कभी मजदूरी के लिए भेज देते तो मजदूरी करने लगते, कभी बोलते कि भिक्षा लेके आओ, भिक्षा मांगना चालू कर दिया है ना, कभी जो भोजन मिल जाता वो भोजन ले लिया है ना। अभी भोजन स्वादु है, बासा है, पुराना है, कच्चा है, जो मिल गया वो खा लिया है ना। फिर सर्दी, गर्मी, बारिश, और ऊपर कपड़े हैं कि नहीं है तन पर, कोई परवाह नहीं। अगर वो दूसरे भाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, चल रहा है जीवन है ना। और कभी स्नान करते, कभी स्नान नहीं करते है ना, कभी शरीर पर तेल लगाते, कभी नहीं लगाते, कभी बालों को ऐसे खुला छोड़ देते, कभी बांध देते है ना। और उनका शरीर कैसा था, जैसे शरीर से ब्रह्म तेज आता था है ना, एक ऑरा, एक ब्रह्म तेज था, लेकिन वो क्या ढक गया था। लेकिन जो पहचान सकता है, जो जान सकता है, वो पहचान लेगा, लेकिन बाकी लोग क्या समझेंगे, ये तो व्यक्ति पागल है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उनका अपमान करते रहते थे है ना, और कुछ भी काम करवाते थे, कोई भी उनसे कुछ भी काम करवा लेता था और वो कर देते थे है ना। मतलब वो इस संसार में है नहीं है, उनका संसार से कोई कनेक्शन था ही नहीं है ना, कि संसार से उनका कोई संबंध है, कोई है ही नहीं, बस चल रहा है बस, ठीक है। तो अभी उनके भाई बोलते थे देखो तुम मजदूरी करोगे, काम करोगे, तब तुमको खाना मिलेगा। बोले अच्छा ठीक है, बताओ क्या मजदूरी करना है। मजदूरी करने के लिए भेज दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनको क्या दिया खाने में, टूटे हुए चावल, धान का भूसा, घुना हुआ अनाज, और रसोई के बर्तन जब जल जाते हैं तो जलने के बाद जो जल जाता है अंदर, उसको निकाला, वो सब इकट्ठा किया, और ऐसी तीन चार चीज़ें जो रसोई में बची कुची हैं, ऐसी फिकी हुई हैं जो नीचे ज़मीन पर गिर गई हैं, उन सबको उठा लिया, प्लेट में रखा और जड़ भरत को दे दिया, और जड़ भरत ने बिल्कुल अच्छी तरह से खा लिया कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस
उनकी कोई अपेक्षा है ही नहीं, उनका किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, जो चल रहा है चलने दो बस, मुझे तो बस अंदर ही अंदर भगवान की सेवा करना, इस जीवन में मुझे कोई भी गलती नहीं करना है, किसी भी तरह का मुझे रिस्क नहीं लेना है गलत संग, है ना। तो कभी उनके भाई उनको खेती में लगा देते, अभी उनको खेती करना भी नहीं आता, कहाँ पर खुदाई करना है, कहाँ पर बीज डालना है, है ना। तो कभी ऐसी जगह बीज डाल देते जहाँ पर पानी नहीं मिलने वाला था, और जहाँ पानी मिलने वाला था वहाँ की मिट्टी निकाल दिया, तो सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे। तो इस तरह से उनका जीवन निकल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, पास के गांव में कुछ डाकू थे, है ना। अभी डाकुओं को, उनमें से जो डाकुओं का सरदार था, उसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, उसके धन नहीं था उसको, तो उसने सोचा कि मैं काली देवी को बलि चढ़ाऊंगा, है ना। और उसने अपने मन से सोचा कि काली को मैं एक मनुष्य की बलि चढ़ाता हूँ जो पशु के समान हो, ऐसे व्यक्ति को मैं बलि चढ़ाऊंगा जो पशु तुल्य है। तो वो डाकू ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए पागल टाइप में, उसको उसकी काली देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं बलि चढ़ाऊं, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि शास्त्रों में कहीं ना कुछ जगह ये बलि के बारे में बताया गया है, लेकिन इस तरह से बताया गया है जिससे धीरे धीरे वो व्यक्ति मीट ईटिंग को छोड़ दे, मांस खाने को छोड़ दो, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। और जो यहाँ पर जो डाकू थे वो कोई विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे, वो तो अपने मन से बलि चढ़ाकर खुद मांस खाना चाहते थे और एक काली देवी को अर्पण करना चाहते थे, ठीक है। तो आधी रात हो गई, जड़ भरत अपने खेत में थे, कुछ काम कर रहे थे ऐसे, और डाकू भी घूम रहे हैं चारों तरफ, तो देखा मिल गया, ये तो पागल व्यक्ति, अच्छा है, अच्छा तगड़ा है, मोटा हट्टा कट्टा है, इसकी बलि चढ़ाएंगे तो जो खून आएगा काली देवी बहुत प्रसन्न होंगी, है ना। तो डाकू ने बोला चलो हमारे साथ, तो जड़ भरत बोला ठीक है चलो। वो तो उनको पर कुछ शरीर है नहीं है कुछ पता ही नहीं उनको, बाहरी जगत से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। तो उन डाकुओं ने जड़ भरत को उठा लिया अपने साथ में, और जहाँ काली देवी की मूर्ति थी वहाँ पर उसको ले गए जड़ भरत को। तो वहाँ पर जब जड़ भरत को ले गए काली देवी के मंदिर के पास में, तो वो जो डाकुओं का सरदार था वो बहुत प्रसन्न हुआ, बोले एकदम बढ़िया, अच्छा, एकदम मोटा ताजा व्यक्ति को लेके आए आज, और एकदम पागल ही है ये तो, है ना, इसकी बलि से काली देवी बहुत प्रसन्न होंगी, है ना। और उनके मुख एकदम चमकने लगे, आँख चमकने लगी, है ना। तो अभी जड़ भरत को पता है कि मेरी बलि चढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, है ना, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, है ना, क्योंकि पूरी तरह से भगवान के ऊपर वो निर्भर है, है ना। प्रभुपाल लिख रहे हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार, कि भगवान आप मुझे मारना चाहें रखना चाहें जैसी आपकी इच्छा है, आपके दास के प्रति मेरा पूरा अधिकार है, जैसे आप रखना चाहें वैसे मुझे आप रखिए। तो फिर क्या हुआ आगे, तो बलि देने का समय आ गया कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने तो पहले अच्छा खिलाया पिलाया जड़ भरत को, है ना, फिर अच्छे कपड़े पहनाए, है ना, और बलि चढ़ाने के लिए जो सब आभूषण होते हैं वो भी जड़ भरत को उन्होंने पहनाए, है ना, चंदन लगाया, हार पहनाए, है ना, धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल फूल सबकी भेंट चढ़ाई जड़ भरत के ऊपर, है ना, और गीत गाए, स्तुति गाई, डाकू भी इतना सब जानते थे, वो स्तुतियाँ गाने लगे, श्लोकों का उच्चारण करने लगे, है ना, कि अभी तो, और मृदंग बजाने लगे, तुरही बजने लगी, है ना, कि अब क्या है वो समय आ गया है बलि चढ़ाने का, है ना। तो वो जो जहाँ पर बलि चढ़ाना था वहाँ पर जड़ भरत को लिटा दिया गया, है ना। और फिर वो सरदार थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली, है ना, तलवार एकदम भयानक तलवार थी, एकदम पैनी तलवार थी, है ना, और उन्होंने मंत्र जप किया भद्रकाली का,
और मारने के लिए उठाया। जैसे ही मारने के लिए उठाया, अभी दोनों के बीच में अंतर बताया गया, जो डाकू है और जड़ भरत है। तो जो डाकू थे वो क्या है, दूसरों का धन संपत्ति चुराना चाहते थे, जबकि जड़ भरत का चरित्र कैसा था, अद्वेष्ट, किसी तरह का कोई एनवियस नहीं, किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं, है ना। ये डाकू लोग वेदों का तिरस्कार कर रहे थे, लेकिन ये जड़ भरत थे वेदों की जो सार है उसका पालन कर रहे थे, है ना। और जो जड़ भरत जिनका किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, वो सबके मित्र थे, मित्र समान व्यवहार करते थे, उनको डाकू ने मारने का दुस्साहस किया, है ना। तो क्या हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जड़ भरत के तेज के प्रभाव से, जो उनका तेज था उसके प्रभाव से जो काली देवी है उनकी मूर्ति फट गई, और काली देवी की मूर्ति फट गई और काली देवी प्रकट हुई, और काली देवी जैसी प्रकट हुई उनका इतना तीव्र गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तलवार ली, फरसा लिया और जितने भी डाकू थे उनके सबके सिर काट दिए वहाँ से, है ना, और जड़ भरत को वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि देव जो भगवान के उपासक होते हैं उनकी रक्षा देवी देवता भी करते हैं, और जो काली देवी के उपासक थे उनकी रक्षा काली देवी ने भी नहीं किया, है ना। तो ऐसे ही उपासना करने का क्या फ़ायदा, और काली देवी है या कोई भी देवी देवता है वो प्रसन्न कब होते हैं, जब कृष्ण या विष्णु की उपासना करते हैं, है ना। तो वो तुरंत प्रकट होती हैं मूर्ति से और कुछ ही क्षणों में सारे डाकुओं को वहाँ पर मार देती हैं, है ना। और काली देवी इतनी आँखें उनकी तेज हैं, है ना, और उनके मुख से उन्होंने खून पिया और मुख से पूरा खून टपक रहा है, पूरा भयानक रूप धारण किया है, ऐसा लग रहा है कि पूरे सृष्टि में एकदम संहार छा जाएगा, है ना। और ऐसे पूरे उन्होंने सिर लिए, हाथ में लिए और गेंद की तरह उछालने लगी और फेंकने लगी, और जो शरीर है उसको ऐसे खाने लगी, है ना। और इस तरह से जो सारे अपराधी थे, जो डाकू थे, उनको दंड दे दिया, है ना। तो इस तरह से जो जड़ भरत हैं उनके जो गुण हैं वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जड़ भरत में क्या क्या गुण थे, वो शरीर और आत्मा के अंतर को समझते थे कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। दूसरा, जो यहाँ संसार के अटैचमेंट है उससे वो मुक्त थे। तीसरा, सबके कल्याण के बारे में सोचते थे, है ना। और चौथा, भगवान की प्रोटेक्शन पर, भगवान की निर्भरता पर उनको पूरी तरह से विश्वास था। इसकी वजह से जो काली हैं उन्होंने भी जड़ भरत की रक्षा की, है ना। तो इस तरह से ये अध्याय 9 खत्म होता है, अध्याय 10 आता है, है ना। अभी हमको समझना पड़ेगा कि सांसारिक दृष्टि से जो जड़ भरत हैं वो पागल लग सकते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में जो भक्तों को देखने का तरीका है वो आँखों से नहीं देखा जाता, वो कानों से देखते हैं, है ना। कि देखने से हमें पता नहीं चलेगा कौन कैसा है, लेकिन जब हम सुनेंगे तब पता चलेगा। तो अभी अगले अध्याय में फिर से एक वृत्तांत आएगा जिसमें जड़ भरत जो है एकदम पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब बोलना चालू करते, अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं इस अध्याय में, अभी केवल जो जैसा कर रहा है वैसा वो करते जा रहे हैं, लेकिन जब बोलना चालू करेंगे तो लगेगा अरे ये तो पागल नहीं है, ये तो सेल्फ रियलाइज सोल है, तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए जो भक्त हैं, साधु हैं, उनके दर्शन किससे होते हैं, आँखों से नहीं होते, उनके दर्शन होते कान से। इसीलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर क्या बोलते थे कि मुझे अपने शिष्यों की एक चीज़ चाहिए, क्या, उनके कान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, उनका पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस कान दे दें, वो कान दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे पहले हमने भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में, तो वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो कुछ वस्त्र नहीं पहने हैं और हस्तिनापुर में ऐसे जा रहे हैं तो कैसे पहचाना उनको। तो प्रभुपाद लिखते हैं पहचानने का तरीका देखना नहीं है, पहचानने का तरीका क्या है, सुनना है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने बोलना चालू किया तो वहाँ जो बैठे लोग थे वो समझ गए कि ये बहुत महान भक्त है, है ना। तो एक इसीलिए वास्तव में जड़ भरत जड़ नहीं है, वो महान भक्त हैं। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण एक
स्टोरी आती है कहीं पंचतंत्र में है या हितोपदेश में है, महामूर्ख के बारे में है ना, कि एक राजा होता है ना, बहुत और बहुत बड़ा उसका राज्य है, बहुत समृद्धि है, उसकी कई रानियां हैं, उसके कई पुत्र हैं, है ना। तो उसके राज्य में एक बार एक साधु आता है ना। तो साधु का वो जो राजा है बहुत आदर सत्कार, बढ़िया आदर सत्कार करता है, खाने के लिए लेके आता है, उसके पैर धोता है, सब एकदम सोने की अच्छी व्यवस्था करता है। तो साधु बोलता है, तुम मुझे सुनना चाहते नहीं हो और बाकी सब कर रहे हो, जो मैं तुमको बताने आया हूँ वो तुम सुनना नहीं चाहते, और बाकी सब अरेंजमेंट मेरे लिए कर रहे हो। तो भी राजा इंटरेस्टेड नहीं था, है ना। तो साधु ने बोला कि ठीक है, एक बात मेरी मान लो। बोला बताओ क्या मानना है। तो साधु ने बोला कि अपने राज्य में एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो, है ना, जो सबसे बड़ा मूर्ख हो, उस मूर्ख व्यक्ति को ये छड़ी दे देना बस, और उस छड़ी को, उस लकड़ी को वो अपने पास रखा रहे और रोज अलग अलग घर में भिक्षा मांगने जाए, और उसको आप सैलरी देते रहना, बस एक मूर्ख को आप अपने राज्य में रख लो। तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि भाई एक मूर्ख को ढूंढ के लेके आओ। तो एक मूर्ख मिल गया, तो मूर्ख को लेके आ गए और मूर्ख को वो डंडा दे दिया। और मूर्ख का काम क्या था, रोज निकलता था, घूमता था, वापस आता था, घूमता था, निकलता था, वापस आता था। तो ऐसे ही राजा का जीवन धीरे धीरे जा रहा था, जो मूर्ख को रखा था उनका भी जीवन धीरे धीरे जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, राजा की मृत्यु की समय आ गया। तो राजा मृत्यु होने वाली थी, राजा बहुत घबराया हुआ था, है ना। तो सबसे मिल रहा था, वो अपनी रानियों से मिला, बच्चों से मिला, अपने जो मिनिस्टर्स थे उनसे मिला, अपनी प्रजा से मिला, सबसे मिला। फिर राजा ने बोला कि एक व्यक्ति से नहीं मिला मैं, वो इतना वफादार है मेरा, उससे नहीं मिला। तो मंत्री ने पूछा किससे नहीं मिले। बोले एक मूर्ख है ना वो। अच्छा, उससे नहीं मिले, ठीक है मूर्ख को बुलाओ। तो मूर्ख आ जाता है, तो मूर्ख आता है वहाँ पर। तो मूर्ख जब राजा की स्थिति को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, बोलता है देखो राजा कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ एक जगह। बोले ठीक है, आप अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को साथ में ले जाओगे ना। बोले अरे मूर्ख, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे थोड़ी साथ में जाएंगे। अच्छा ऐसा है, तो कुछ मंत्रियों को रख लेना, मंत्रियों को साथ में ले जाना। बोले मूर्ख, तुम मूर्ख ही निकले, मैं मंत्रियों को भी साथ में नहीं ले जाऊंगा। तो बोले अच्छा अकेले जाओगे। बोले हाँ अकेले जाऊंगा, तो साथ में कुछ खाने के लिए रख लेना, और मैं तुम्हारे लिए अच्छा रथ तैयार कर देता हूँ, अच्छे घोड़े तैयार कर लेता हूँ, उसमें बैठ के जाना। अगर तुमको किसी को ले नहीं जाना है तो अच्छे घोड़े में बैठ के जाना। बोले मूर्ख, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। बोले खाने के लिए कुछ पानी तो ले जाना, अगर पैदल जाना है तो। बोले मैं वो भी नहीं ले जाऊंगा, है ना। तो राजा बोलता है तुम सही में मूर्ख निकले, तुमको पता ही नहीं है, है ना। तो बोलते ठीक है क्या करें। तो राजा ने बोला अच्छा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तो मूर्ख बोलता है हाँ मेरी एक इच्छा है कि मैं जो अपनी मैंने अपने साथ जो छड़ी रखा था, डंडी रखा था, उसको मैं अपने से बड़े मूर्ख को देना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है दे दो। तो उसने छड़ी लिया और राजा को दे दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया, बोले लगता है अभी तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है, है ना। तो बोलते नहीं आप महामूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूँ आप महामूर्ख हो। बोले कैसे। बोले आपको पता है, पहले से पता था जब आपकी मृत्यु होगी ना, आप रानियों को ना अपने पुत्रों को ना अपनी समृद्धि को ना घोड़ों को ना मंत्रियों को, आप किसी को नहीं ले जा पाओगे, और जीवन भर आप उनके साथ ऐसे रह रहे थे जैसे हमेशा साथ में रहने वाले, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, आपसे बड़ा महामूर्ख कौन होगा। तो राजा को समय आता हाँ मैं सबसे बड़ा महामूर्ख। तो वो राजा बोलता है लेकिन तुम मूर्ख नहीं लगते, तुम्हारी बातें तो पते की बात है। बोले हाँ, मैं जो मेरे जो गुरु थे कुछ साल पहले आपके राज्य में आए थे और आपको कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन आपने सुना नहीं उस समय, तो मैं उनका शिष्य हूँ। मेरे गुरु ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था कि इस राजा को क्या है पाठ पढ़ाना है, तो इसीलिए। तो राजा क्या है समझ जाता है कि सबसे बड़ी मूर्खताई जो है मैंने की है ना। तो इस तरह से भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी,
तस्याम जागृति भूतानि सानिसा पश्चिते मुनि। जो इस संसार में एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उनके लिए जो दिन है वो भक्तों के लिए रात है, और भक्तों के लिए जो दिन है बाहर वालों के लिए रात है। कहने का मतलब क्या है, अभी दिन रात वैसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि जो एंजॉय करना चाहते हैं, इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उनका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें भक्तों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और भक्तों का जिसमें इंटरेस्ट है बाहर वालों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब दोनों का जो सोचने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, एकदम अलग है ना। तो प्रभुपाद ने एक लेटर भी लिखा, एक आर्टिकल लिखा था जब अमेरिका में थे, हु इज क्रेजी, है ना। तो जब प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ की गवर्नमेंट वाले सोचने लगे कि ये युवा हैं, हिप्पी हैं, और ऐसे सिर मुड़वा लिया है और धोती कुर्ता पहने हुए हैं और सड़कों पे गा रहे हैं, ये पागल है। तो प्रभुपाद ने लिखा हु इज क्रेजी, पागल कौन है, पागल हमें या वो है, है ना। तो इसी तरह से जो जड़ भरत हैं वो दिख रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं पागल की तरह, लेकिन वो बाकी जो पागल हैं उनसे बच के रहना चाहते हैं, वो बाकी पागल उनको डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए वो ऐसी रखना चाहते हैं, है ना। फिर आता है अध्याय 10। फिर क्या हुआ आगे कि एक दिन की बात है कि सिंधु देश है, वहां का राजा था, जिस राजा का नाम था रघुगण, है ना। तो जो रघुगण था राजा, वो पालकी में बैठ के जा रहा था, है ना। तो पालकी में वो पालकी को उठाने वाले होते हैं, है ना। तो चार लोग पालकी को उठाए हुए थे और थोड़े थक गए थे, काफी किलोमीटर चलना था, बहुत थक गए थे। तो उनमें से जो उनका प्रमुख था, उसने सोचा कोई व्यक्ति मिल जाए दूसरा तो वो भी पालकी थोड़ा सा उठा लेगा, है ना। तो वहीं पर जड़ भरत ऐसे घूम रहे थे, तो जो पालकी उठाए हुए थे उसने देखा कि एक व्यक्ति घूम रहा है, ऐसे पागल ही लग रहा है, तो और शरीर में भी हट्टा कट्टा है, तो ये पालकी अच्छी तरह उठा लेगा, है ना। तो उसको बुलाया, तुम इधर आओ और पालकी उठाओ। तो जड़ भरत, ठीक है पालकी उठाता हूँ, पालकी ले ली हाथ में, अब चलना चालू, चल रहे हैं चल रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ, पालकी हिलने लगी, कभी ऐसे ऐसे होने लगी, कभी ऐसे ऐसे होने लगी। तो राजा अंदर बैठा हुआ था, बोले हो क्या रहा है। राजा बाकी लोगों पर चिल्ला था, अभी राजा को नहीं पता था कि पालकी में एक आदमी चेंज हो गया है, है ना। तो अपने जो सेवक हैं उनके ऊपर चिल्लाता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुमको एक पालकी भी उठाई नहीं जाती, है ना, अब पालकी को हिलाया जा रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है ना। तो अभी वो जो जड़ भरत हैं वो क्या कर रहे थे कि जो चलते हुए चींटियाँ आ रही थी उनको बचा रहे थे। तो जैसे चींटियाँ आती थी तो थोड़ा सा जंप मारते थे, थोड़ा सा कूदते थे, तो कूदते थे तो पालकी हिल जाती थी, और कब चींटियाँ बहुत सारी हैं तो रुक जाते थे, अभी बाकी तीन चल रहे हैं वो रुक गए तो पालकी हिल गई। तो जड़ भरत ऐसे कुछ कर रहे थे चींटियों को बचाने के लिए, आसपास में इस तरह से कुछ कार्य कर रहे थे। तो राजा ने और धमकी दी उनको, पालकी वालों को, कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, है ना। तो अभी वो जो बाकी तीन लोग थे उन्होंने राजा को बोला कि देखिए हमारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति को हमने लगाया है ना अपने साथ में काम के लिए, ये पता नहीं क्या कर रहा है, कभी रुकता है, कभी छलांग लगाता है, कभी आगे पीछे होता है, चल क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है, है ना। तो राजा जो रघुगण है उनको क्रोध आया बहुत, है ना, और उनको समझ में नहीं आया कि इसको समस्या क्या है, पालकी ढंग से चला क्यों नहीं रहा है, है ना। तो थोड़ा थोड़ा क्रोध हुआ, है ना, और जो राजा था वो थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप में था, राजनीति जानता था, तो इनडायरेक्टली बोलता है वो, है ना। जब किसी को सार्केस्टिक बोलते हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, सार्केस्टिक कुछ बोलेंगे उसको, है ना। तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं जड़ भरत को, राजा रघुगण, ऐसा लग रहा है तुमको बहुत कष्ट हो रहा है ना। कष्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम इतने समय से अकेले पालकी उठा रहे हो, तुम थक गए होगे, है ना। और
तुम अच्छे मोटे ताजे हट्टे कट्टे लग रहे हो, है ना, और तुम्हारी इच्छा है ऐसे पालकी उठा के अकेले चलने की, लेकिन बाकी लोग तुम्हारे साथ नहीं दे रहे, है ना। और फिर बोलते हैं कि पहले तो वो प्रेम से समझाते हैं, है ना, कि देखो तुम अकेले चला रहे हो, अच्छी बात है, हट्टे कट्टे हो, लेकिन सावधानी से चलो। फिर वो जड़ भरत को सुनते नहीं है, फिर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तू कर क्या रहा है, तू जीवित रहते हुए मरा हुआ है, तू है ना जिंदा लाश की तरह चल रहा है, तू ये नहीं जानता कि तू मेरा सेवक है, मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा सेवक है, है ना, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तेरे को दंड भी मिल सकता है ना, और मैं तेरे को अच्छी तरह से दंड दूंगा, उसके बाद तेरे होश ठिकाने आएंगे और तब तू अच्छी तरह से पाल के चलाएगा, है ना। तो इस तरह से उसको जड़ भरत को डांटते भी हैं और ऐसे मोटा भद्दा इस तरह से भी बोलते हैं, और जड़ भरत कोई ध्यान देते ही नहीं, है ना। तो जड़ भरत जो थे वो शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए थे, लेकिन जो रघुगण महाराज थे वो पूरी तरह से शरीर के स्तर पर थे। तो रघुगण महाराज अपने मान और सम्मान करने के लिए कैसे भी अपशब्द बोलने के लिए तैयार थे, लेकिन जो जड़ भरत थे वो मान सम्मान से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए जड़ भरत को राजा रघुगण की बातों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सुना और फिर से पालकी चलाना चालू कर दिया, और कुछ समय के बाद वो रुकते हैं, है ना, कुछ समय के बाद वो रुकते हैं और जड़ भरत बोलते हैं, जड़ भरत बोलते हैं कि देखिए मैं तो ये भार उठा नहीं रहा हूँ, ये पालकी मैंने नहीं उठाई है, ये पालकी तो मेरे शरीर ने उठाई है ना, और मेरा ये शरीर थका है, मैं नहीं थका हूँ। फिर बोलते हैं कि आप किसको मोटा बोल रहे हैं, किसको भद्दा बोल रहे हैं, किसको काला बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो तो मैं हूँ नहीं, अगर आप मोटा बोल रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा शरीर हो सकता है, जिसको आप भद्दा काला बोल रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ, है ना, ना तो मैं मोटा हूँ ना मैं पतला हूँ, है ना, और ये भूख प्यास नींद भय बुढ़ापा शोक मोह ये तो सब शरीर को आते हैं, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो ये शरीर से अलग हूँ। ऐसे होता है ना, सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल कैसा होता है, नारियल के अंदर ही होता है लेकिन नारियल से पूरी तरह से वो अलग हो जाता है। तो ऐसी जो भक्त हैं इस संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से एकदम अलग होते हैं, है ना, जैसे एक गीला नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से अटैच्ड होता है, तो उसको क्या होता है, निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जो पानी पूरी तरह से सूख गया है तो वो क्या होता है, पूरी लेयर से बाहर निकल जाता है। तो जड़ भरत कैसे हैं, संसार के अंदर हैं, शरीर के अंदर हैं, लेकिन शरीर से और संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है, है ना। और फिर जड़ भरत बोलते हैं कि तुमने बोला कि तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, लेकिन कितने समय चलेगा ये, कितने समय रहने वाला है, तुम मेरे स्वामी, तुम अपने आप को स्वामी बोल रहे हो, मुझे सेवक बोल रहे हो, तो ये कितने समय रहेगा, हो सकता है बाद में मैं तुम्हारा स्वामी बन जाऊँ, तुम मेरे सेवक बन जाओ, है ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आज का राजा कल का कुत्ता, आज जो अच्छी स्थिति पर हैं, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि भारत का जो पहला प्रधानमंत्री है वो स्विट्जरलैंड में किसी के घर का कुत्ता है, वो है ना। तो अभी राजा रघुगण मुझे खुद को स्वामी बोल रहे हैं, मुझे सेवक बोल रहे हैं, तो ये कब तक रहेगा, मैं बन जाऊंगा स्वामी, तुम आप सेवक बन जाओगे, तो ये जो आप बोल रहे हैं मेरे लिए वो तो लागू होता ही नहीं मेरे ऊपर, आप किसको डांट रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हो मैं हूं ही नहीं, है ना। ठीक है, मान लिया आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, ठीक है, लेकिन और
जो भी आप मुझसे काम कराना चाहते हैं मैं आपका काम करूँगा, है ना। लेकिन ये जो संबंध है ये बहुत कम समय के लिए, तो इसीलिए आप ये भ्रम रूपी जो संबंध है इसमें अपने आप को डुबा के मत रखिए, एक कुछ समय के बाद संबंध टूट जाएगा, है ना। फिर उन्होंने बोला कि तो आपने मुझे जड़ बोला, आपने मुझे गुंगा बोला, आपने मुझे बहरा बोला, है ना, आपने बोला कि मैं मारूंगा, है ना। तो बोले मैं तो वास्तव में क्या है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ, है ना। और एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को आप दंड देंगे तो उसको कुछ दंड है ही नहीं, है ना। संसार में दो लोग हमेशा खुशी रह सकते हैं, एक तो जो परमहंस हैं और एक पूरे मूर्ख हैं, है ना। जो पूरा मूर्ख है वो सबसे खुशी रहता है, या जो परमहंस है वो खुशी, आज के बीच के लोग क्या होते हैं, दुखी रहते हैं, है ना। एक बार वो ऐसे ही कहीं कोई वृत्तांत आता है कि जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऐसे ही एक पागल खाने में गए, है ना, पागल खाने में दूसरे कई लोगों से मिल रहे थे। तो नेहरू ने बोला, पूछा तुम कैसे आए, तो वो नेहरू को ऐसे चिढ़ाने लगा कुछ, है ना, अलग अलग से चेहरे बना रहा था, कुछ चिढ़ा रहा था, है ना। तो नेहरू ने बोला, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन हो तुम। बोले मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ। बोले यही कह के तो मैं पागल खाने आया था, तुमको ही बंद कर देंगे अभी, है ना। तो इसको वो पागल लग रहा है, उसको ये पागल लग रहा है, अभी एक्चुअल में पागल कौन है वो जानना पड़े। तो इसी तरह से हर व्यक्ति स्वप्न जी रहा है ना। एक रात्रि स्वप्न है, एक दिवा स्वप्न है, एक नाइट ड्रीम है, एक डे ड्रीम है। जैसे रात्रि के समय हम ड्रीम्स देखते हैं, है ना, सपने में हम देख रहे हैं कोई शेर पीछे पड़ा हुआ है, हम दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, एकदम हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, और एकदम शेर नज़दीक आ जाता है और सपना टूट जाता है, और फिर अभी एकदम पसीना आ गया। अभी वो क्या था, इल्यूजरी था, वो भ्रम था, है ना। तो जब हम सो गए तो दिन का भूल गए, और जब दिन में है तो रात का भूल गए, है ना। अभी जो सपना रात में 20 मिनट चला, तो जिस समय वो सपना चल रहा था हमको लग रहा था ये तो बस रियलिटी है, ये तो वास्तविकता है, और जब हम जैसे सपना टूटा और नींद से उठे हमें लगा हाँ अभी रात में। लेकिन अभी जो दिन में हम जब एक्टिविटी कर रहे हैं वो रात में सोते समय सो भूल गए। तो एक्चुअली एक ऋषि थे जिनका नाम था अष्टावक्र, है ना। तो अष्टावक्र मुनि हैं, जनक महाराज के राज्य में जाते हैं और जनक महाराज से पूछते हैं, जनक महाराज पहले ऐसे जो ऋषि होते थे अलग अलग राजाओं के घर में जाते थे, राज्य में जाते थे। तो जनक महाराज पूछते हैं कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मैं जो आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो हूँ मैं, या जब रात में मैं सो जाता हूँ और जो स्वप्न में कुछ करता हूँ वो मैं हूँ। क्योंकि जब मैं रात में सो गया तो दिन में जो मैंने किया वो भूल गया, है ना, और जो दिन में जो कर रहा हूँ वो रात का भूल गया, तो क्या है, मुझे तो लग रहा है रात में भी स्वप्न चल रहा है और दिन में भी स्वप्न चल रहा है। तो अष्टावक्र मुनि ने बोला हाँ दोनों ही स्वप्न है, अभी भी आप स्वप्न में हो और रात्रि में भी स्वप्न हो। जब तक आपकी एक्टिविटीज भगवान की सेवा के लिए नहीं होंगी तब तक दोनों स्वप्न है, है ना। अभी मान लीजिए जो रात में हम सो रहे हैं जो 20 मिनट का सपना है उसको हमने बढ़ा दिया 20 साल में, कोई व्यक्ति 20 साल तक सो रहा है और सपना देख रहा है, फिर हमने बढ़ा दिया 40 साल, फिर बढ़ा दिया 80 साल। तो 80 साल वो सोया, उसने सपना देखा 75 ईयर और जागा, तो 75 ईयर क्या है, वो सपना है। तो इसी तरह से चाहे हमारा दिन का समय है या रात का समय, दोनों ही क्या है, ड्रीम है। जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना और सेवा करना चालू नहीं करते अल्टीमेटली स्वप्न। और इसका प्रूफ, एक प्रूफ और है कि जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जब अगला शरीर मिलता है तो पिछला जो जीवन है हम सब भूल जाते हैं। जैसे रात में दिन की एक्टिविटी भूल गए, उसी तरह से अगला शरीर मिलने पर हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पिछला जन्म क्या हुआ, स्वप्न हुआ, करेक्ट। अभी वो 20 मिनट का है, ये 80 साल का है तो ड्रीम ना, है ना। तो वो चीज जो हमेशा मेरे साथ में रहने वाली है
वहां से स्टार्ट होती रियलिटी, वो होती वास्तविकता। नहीं तो क्या कि वह ड्रीम चल रहा, ड्रीम लैंड है ना, लोग ड्रीम लैंड बनाना चाहते हैं, ड्रीम ही है वो। फिर उसमें भी एक बहुत अच्छा वृत्तांत आता है। एक व्यक्ति था, एक बहुत एक धनी व्यक्ति था है ना, उसकी चार पत्नियां थी है ना, और चार पत्नियों को बहुत अच्छी तरह से, अलग अलग पत्नियों के साथ अलग अलग तरह से वह व्यवहार करता था है ना। तो एक पत्नी थी, उसको बहुत ही बहुत एकदम प्रोटेक्शन में रखना है ना, किसी को किसी के सामने लेके नहीं आना है ना, और एकदम सुरक्षित है ना, एकदम सीक्रेट तरीके से ऐसे रखना। उससे बहुत प्रेम करता था वो, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा लगाव था है ना। फिर दूसरी पत्नी थी, उस पत्नी को अपने साथ में ले जाता था, कोई भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी प्रोग्राम है, अपने साथ में ले जाएगा है ना, कोई तीर्थ यात्रा में जाना है, कोई परिवार का कोई त्यौहार है उसमें वो जा रहा है ना। और जो तीसरी पत्नी थी, उस पत्नी को बहुत सजा के रखता था, आभूषण लेके आता था है ना, सारे सौंदर्य की चीज़ कॉस्मेटिक चीज़ें लेके आता था, एकदम सवार के रखता था। और जो चौथी पत्नी थी, उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट करता था, उसे बात ही नहीं करना, एकदम उपेक्षा करना, उसकी को ध्यान ही नहीं देना है ना। तो एक को एकदम संभाल के रखता था, किसी के सामने ले जाता था, दूसरी पत्नी को सबके सबके सामने ले जाना और जहाँ भी जा रहा है अपने साथ में रखना, तीसरी पत्नी को एकदम सजा के एकदम बढ़िया आभूषण दे के सब कुछ, और चौथी को नेग्लेक्ट करना है ना। तो क्या हुआ, उसकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु के समय आ गया। तो उसने सबको बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, पहले उस पत्नी को बुलाया जिसको एकदम से सीक्रेटली एकदम छुपा के रखता था है ना, जो उसकी सबसे चहेती थी। तो उसने बोला कि मैं मरने वाला हूँ है ना, तो तुम मेरे साथ चलो, चलोगी मेरे साथ? तो बोले मैं तुम्हारे साथ थोड़ी जाऊँगी, तुम मर जाओगे तो मैं दूसरे पुरुष के पास चले जाऊँगी। तो एकदम से उसको शौक लग गया, अरे ये क्या हो गया, मैंने इतना संभाल के रखा है ना, और किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाओगी। तो फिर उसने दूसरी पत्नी को बुलाया, तो दूसरी पत्नी से पूछा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, चलोगी मेरे साथ? बोले नहीं, मैं बस जहाँ तक तुमको अंतिम समय तक ले जाएंगे वहाँ तक चलूँगी मैं, उसके बाद फिर मैं नहीं चलूँगी। तो और दुखी हो गया वो। फिर तीसरी पत्नी से पूछा, जिसको वो एकदम साथ सवार के अच्छी तरह से रखता था, उससे पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी? बोले नहीं, जब तक तुम्हारा ये शरीर है तब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, शरीर खत्म हो जाएगा मैं भी चली जाऊँगी। अभी चौथी से कैसे पूछे, चौथी को तो पूरे जीवन में निग्लेक्ट किया है, उसकी उपेक्षा की है। तो सोचता है ठीक है पूछ लेते हैं ये क्या बोलते हैं। तो चौथी पत्नी को बुलाते हैं, बोले तुम मेरे साथ चलोगी? बोले हाँ चलूँगी मैं, है ना। तो इसी तरह के हर व्यक्ति की चार पत्नियाँ होती। पहली पत्नी कौन है? पैसा है ना, रुपए पैसे है ना, डॉलर्स, ये पहले इसको लोग बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, एकदम किसी के सामने दिखाएंगे नहीं, एक्सपोज नहीं करेंगे, एकदम संभाल के रखेंगे, बैंक बैलेंस या जो भी प्रॉपर्टी जहाँ भी इन्वेस्ट करना है उसको संभाल के रखेंगे। लेकिन जैसी मृत्यु होगी वो पैसा कहाँ चला जाएगा? किसी दूसरे के पास चला जाएगा, वो पैसा नहीं रहेगा है ना। लेकिन उसकी बहुत हम केयर करते हैं। जो दूसरी पत्नी है वो क्या है? हमारे सगे संबंधी है ना। वो कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक उस शरीर को जलाया जाता है, उसके बाद वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं, उनका भी जो जीवन है वैसे ही चलता रहता है। तीसरी पत्नी कौन है? हमारा शरीर है ना। जैसे उस तीसरी पत्नी को बिल्कुल सजा के आभूषण दे के सजा रखता था, तो तीसरी पत्नी ने क्या बोला, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक मैं रहूँगी। तो ये शरीर कब तक रहेगा? जब तक वो जलने वाला, उसके बाद वो भी चला जाएगा। और जो चौथी पत्नी है वो वास्तव में हमारी खुद की आइडेंटिटी है, वो है आत्मा। वही आत्मा जो है, हम जो वास्तव में है वही जाने वाले। तो आत्मा के विषय में हम पूरे जीवन भर नहीं सोचते क्या है आत्मा, आत्मा की क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो यही चीज जड़ भरत यहाँ पर राजा रघुगण को समझा रहे हैं कि जो तुम जिसको तुम मूर्ख समझ रहे हो, मोटा समझ रहे हो,
भद्दा समझ रहे हो, वो तो मैं हूँ ही नहीं। जो तुम मेरा अपमान कर रहे हो, किसका अपमान कर रहे हो? शरीर का कर रहे हो, और शरीर मैं हूँ नहीं, है ना। और फिर जड़ भरत बोलते हैं कि तुम मुझे अगर पागल भी समझते हो तो किसी पागल को मारने से उसका पागलपन थोड़ी निकलता है। तुम मुझे अगर मारना भी चाहते हो ठीक है मार लो, उसमें क्या है। तो जैसे ही रघुगण महाराज ये सुनते हैं कि ये तो कोई आम ऐसा नहीं है, कोई पागल नहीं है, वास्तव पागल तो मैं हूँ, जो मैं सोच रहा था कि ये तो, जो राजा रघुगण है तुरंत अपनी पालकी से उतर जाते और जड़ भरत के पैरों में गिर जाते हैं। बोले मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने आपसे पालकी उठवाई और मैंने आपको इतना अपशब्द बोला, आपका अपमान किया, मुझे आप क्षमा कीजिए। और फिर उनसे प्रश्न पूछना चालू करते हैं कि आप वास्तव में हैं कौन, किनके पुत्र हैं, आप कोई देवता हैं या स्वयं भगवान हैं जो रूप बदल के आए हैं, है ना, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। और मुझसे फिर जो जड़ भरत हैं उनको उपदेश देना चालू करते हैं, है ना। और इसी अध्याय के अंतिम में जो राजा रघुगण हैं फिर से उनसे माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा वैश्य अपराध हो गया, है ना। तो इस तरह से राजा रघुगण और जड़ भरत के बीच में बहुत लंबी बातचीत चलती है। तो ये अध्याय 10 है, अध्याय 11, 12, 13 और 14, ये चार अध्याय में उनकी बातें चलती हैं। तो अध्याय 14 है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट के लिए। इस अध्याय का नाम है द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना। तो एक पूरा जो संसार है वो कैसा है, एक घना जंगल है। ये पूरा जो व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करने आया है, भोग करने आया है, वो क्या है, एक सघन गहरे अंधेरे जंगल की तरह, द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना। इसके बारे में जड़ भरत राजा रघुगण को बहुत विस्तार से बताते हैं। क्या बता रहे हैं वो हम देखते हैं। राजा अभी जड़ भरत बता रहे हैं कि एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो शहर में रहता था, है ना, शहर में रह रहा था अच्छी तरह से। तो उसने सोचा मैं जंगल जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ और कुछ मिट्टी इकट्ठा करूँगा और उसको इकट्ठा करने के बाद उसका अच्छा प्रॉफिट कमाऊँगा, शहर में जाके उसको बेचूँगा, है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए या लोभ के कारण वो एक जंगल में प्रवेश करता है, है ना। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। उसी तरह से जो जीव है भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन वो भोग करने की इच्छा से इस भौतिक जगत के अंदर प्रवेश करता है ना। तो जैसे वो व्यापारी प्रॉफिट लेना चाहता है लोभवश, उसी तरह से जो जीव है इस भौतिक जगत में क्या है, एंजॉय करना चाहता है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर कोई जीव भोग करना चाहेगा तो माया उसको तुरंत वहां पे पकड़ लेती है ना। फिर व्यापारी आगे चलता है, जंगल में जाता है, तो उसको क्या मिलते हैं, 6 लुटेरे मिलते हैं। तो उसने लकड़ी इकट्ठा कर लिया, है ना, और मिट्टी से कुछ सामान भी बना लिया, और 6 लुटेरे आए और लूट के चले गए। अब इसको कुछ बचा ही नहीं, है ना। फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जंगल में और समय रहते हैं, है ना, कुछ कुछ तो बनेगा यहाँ पर, है ना। तो ये 6 लुटेरे क्या हैं, हमारी 6 इंद्रियाँ, 6 सेंसेस, है ना, ये लुटेरे हैं। कौन कौन सी इंद्रियाँ हैं हमारी, कर्म इंद्रियाँ होती हैं और ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा, ये 5 हमारी इंद्रियाँ हैं। तो ये क्या है, लुटेरे हैं। जो भी हमने इकट्ठा किया है, है ना, आँख को कुछ देखना है, कान को कुछ सुनना है, जीव को अच्छा स्वाद लेना है, है ना, जो त्वचा है उसको अच्छा कुछ स्पर्श करना है, तो ये सब क्या हमको लूट रही है, है ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं 7वें स्कंद में, कोई एक व्यक्ति है
है ना, और उसकी 5 पत्नियां हैं और उसको अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं। कोई उसका सिर खींच रही है, कोई उसका एक पैर, एक हाथ खींच रही है, दूसरा हाथ खींच रही है, एक पैर खींच रही है, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? वो तो खींच जाएगा, पूरा टूट जाएगा। तो यही हमारी जो 5 इंद्रियां हैं अलग अलग जगह खींच रही हैं। आँख कहीं ले जाना चाहती है, कान कहीं ले जाना चाहते हैं, नाक कहीं ले, जीभ कहीं ले जाना चाहती है। तो ये इंद्रियां क्या है? लुटेरे हैं, जो हमारी सारी संपत्ति क्या है? लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। फिर क्या होता है आगे? फिर व्यापारी फिर जंगल में और प्रवेश करता है, तो उसको क्या मिलते हैं? एकदम खूंखार वो मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, सियार मिलता है ना, गीदड़ मिलता है, शेर मिलते हैं, है ना, और उसको क्या लगने लगते हैं? एकदम नोचना चालू कर देते हैं। और व्यापारी को लग रहा है नहीं, मैं कुछ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा यहाँ पर, उसको वो क्यों नोचे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, दो तरह का जीवन होता है, एक होता है गृहस्थ जीवन, एक होता है गृहमेदी जीवन, है ना। गृहस्थ जीवन मतलब क्या होता है? गृहस्थ आश्रम होता है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है उसी तरह से गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का भी सेंटर क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में भगवान कृष्ण की सेवा सेंटर में नहीं है और इन्जॉयमेंट है ना, सेंस एन्जॉयमेंट है, तो क्या हो जाता है? गृहमेदी हो जाता है। तो ये पूरे गृहमेदी आश्रम का पूरा विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो ये जंगली जानवर जो है, जिस व्यापारी को लूटे जा रहे हैं, वो सब कौन है? बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं और स्त्री है, जिस व्यापारी को लूटती जा रही, लूटती जा रही, है ना, है ना। प्रभुपाल लिखते हैं कि बाहर के जो लुटेरे होते हैं या चोर होते हैं, वो तो बोल के लूटते हैं, धमकी देके लूटते हैं, लेकिन घर में जो होते हैं वो प्रेम से लूट लेते हैं। मतलब ये खरीदना है ये आ जाएगा, वो खरीदना है वो आ जाएगा, ऐसा बनना है, ऐसा कुछ बंगलो बनना है, ऐसा कुछ कार है वो आ जाएगा, बहुत प्रेम से लूट लेते हैं, लेकिन है दोनों ही लूटे रहे हैं। फिर आगे क्या होता है? वो व्यापारी फिर अंदर और अंदर जा रहा है ना। अभी वो इतना अंदर चला गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर कैसे निकला जाए, उसको रास्ते नहीं दिख रहा है। वो आया था व्यापार करने के लिए जंगल के अंदर, और यहीं घूम के रह गया, उसको अभी कोई रास्ते नहीं मिल रहा है। उसी तरह से व्यक्ति भौतिक जगत में आता है और इसके एन्जॉयमेंट में अंदर अंदर जाता है और इतना ज़्यादा खो जाता है उसमें, इतना गहरे चला जाता है कि उसको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उसका वास्तविक घर इस जंगल में नहीं है। उसका वास्तविक घर कहाँ है? जंगल के बाहर है, उसका घर बाहर है। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में वास्तविक घर नहीं है, इससे निकल कर कहीं दूसरी जगह है। लेकिन वो व्यक्ति इतना अंदर चला गया, सब अंधेरा है, उसे दिख ही नहीं रहा है कुछ, कहाँ पे रास्ता है, क्या है, है ना। जैसे वो होता है ना, कहीं पे भूल भुलैया होती है ना, तो वो अंदर जाते हैं और खो गए, वो तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी वो क्या है? सघन वन में खो चुका है अभी। अभी क्या होता है आगे? अभी आगे चलता है तो उसको मच्छर हैं, वो काटना चालू होते हैं उसको, मच्छर काट रहे हैं, चूहे काट रहे हैं उसको, है ना। डांस, डांस क्या होता है? डांस हिंदी में डांस लिखा, डांस ऐसे वो खून चूसने वाले, ऐसे वो खून चूसने वाले होते हैं, शिकारी पक्षी, उसको उसने नोचना चालू कर दिया। ऐसे कभी कभी होता है ना, कहीं कैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ पर कभी अंदर जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते, एकदम हमें एलर्जी हो जाती है, एकदम लाल पूरा हो जाता है, है ना, एकदम छोटे छोटे काट लेते हैं। तो ऐसे वो शिकारी को क्या है? छोटे छोटे कीड़े, टिड्डे, डांस, ये उसने काटना चालू कर दिया। लेकिन उसको सामने क्या लग रहा है? कि एक बहुत बड़ा महल है, जो उस महल में जाने वाला है। तो उसी तरह से ये जो डांस हैं, ये सब कौन है? हमारे जो पड़ोसी हैं वो सब डांस हैं। जितने मच्छर हैं ये सब क्या है? जो हमारे कलीग्स हैं वो हमको नोचते रहते हैं। और हमको सामने लगता है कि बस थोड़ा सा, थोड़ा काट लेंगे, थोड़ा नोच लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है।
तो वो खून चूस रहे हैं चूस रहे हैं चूस रहे हैं और हमको हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। फिर आगे उससे क्या मिलती है, गंधर्वपुरी फैंटास्मगोरिया। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा महल है और उसके पीछे वो जा रहा है उसके लगे। कभी कभी होता है कि जंगलों में भी जैसे मिराज होती है, मृगतृष्णा होती है, हिरण जाता है उसको लगता है कि पानी आ गया, फिर थोड़ा चलता है पानी आ गया, तो ऐसी क्या लगता है कभी कभी जंगल के अंदर कुछ गंधर्वपुरी बनी हुई, उसको लगता है बस वहाँ पर पहुँच गया और सब सुखी हो गया। है ऐसे हर व्यक्ति, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो हर व्यक्ति क्या है अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसे लगता है ये पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस ये पूरा हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना पूरा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, और भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से वो व्यापारी चलता जा रहा है। फिर उसको एक प्रभुपाद मतलब सुखदेव गोस्वामी इतना ड्रास्टिक समझा रहे हैं कि उसको एक येलो स्टूल मिलती है। वो येलो स्टूल क्या है, सोना। और विस्तार से यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को चार स्थान दिए थे, है ना, जहाँ भी जुआ खेलते हैं, जहाँ भी शराब पीते हैं, जहाँ भी नशा करते हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुष अवैध स्त्री पुरुष संघ होता है, और जहाँ भी मांसाहार करते हैं। तो कलि को वो चारों जगह मिली नहीं, तो सोना दे दिया। जहाँ भी वो सोना होगा वहाँ पे चार क्रियाएं चालू हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लोभ को अपने ग्रीड को रोक नहीं पाएगा, है ना। तो वो जो सोना है उसकी तुलना जड़ भरत किससे कर रहे हैं, येलो स्टूल से, है ना। फिर आगे चलते हैं, फिर आंधी चलती है बहुत तेज, है ना। एक्चुअली इस पर पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है, इतना एकदम एक एक स्टेप बाई सब कुछ बता रहे हैं। अभी तेज आंधी चलती है, और आंधी चलती है तो उसको धूल एकदम आंखों में पड़ना चालू हो जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, है ना, दिखाई नहीं देता है, आंखों में कंकड़ चले गए, धूल चली गई, अभी वो चल भी नहीं पा रहे आगे, है ना। तो ये आंधी कैसे चलती है, इसमें बता रहा है, ये आंधी चलती है जब किसी व्यक्ति के अंदर तेज लस्ट आती है। जैसी लस्ट आती है, जैसी काम वासना आती है, तो आंखों के सामने क्या जाता है, पर्दा लग जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे आगे जाना है, इधर जाना है, पीछे जाना है ना। जैसे आधी व्यक्ति बस खड़ा रह जाता है, स्टंट, कहीं चल ही नहीं पा रहा है। तो उसी तरह से जैसे जब विपरीत से आकर्षण होता है, विपरीत लिंग से आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष आकर्षण होता है, तो वो कैसा होता है, एक आंधी की तरह चल जाती है, और वो आंधी क्या है, हमारे आंखों को बंद कर देती है, और व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाता उसको कहाँ चलना है जंगल में। फिर अभी आगे क्या होता है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ही मधुर ध्वनि निकालते हैं, है ना, मधुर तो नहीं है इसमें बताया, उल्लू हैं, कुछ झींगुर हैं, रात में आवाज़ आती है ना कभी कभी, झींगुर की आती है, या उसकी चूहा जैसा होता है उसकी भी आवाज़ आती है, तो ऐसे अलग अलग आवाज़ें आती हैं। तो ये अलग अलग आवाज़ें क्या है, थोड़ा प्रलोभन देती हैं, है ना। लेकिन वो चाहे झींगुर हो या चूहा हो, वो भी क्या है, नुकसान पहुँचाना है। तो उसकी तुलना जड़ भरत किससे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनसे कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स डालते हैं, टैक्स लगाते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी टैक्स बचाना चाहता है, और दूसरों से भी टैक्स ले रहा है, और खुद का भी टैक्स बचाना चाह रहा है ना। तो जो कलयुग की भविष्यवाणी है कि आगे चल के जो राजा होंगे, जो किंग हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, जनता को लूटने वाले हो जाएंगे, हैवी टैक्सेशन, हर चीज़ पर टैक्स टैक्स, है ना। पहले राजा टैक्स क्यों लेते थे, जिससे कुछ पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सके, लेकिन आजकल टैक्स लिया जाता है और उसका यूज किस में किया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कामों में किया जाता है जो अल्टीमेटली पूरे समाज के लिए खराब करने वाला है ना। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, है ना। भेड़ियों ने काट लिया, शेर ने काट लिया, झींगुर ने
झिंगुर की झिंगुर है और अलग अलग जो पक्षी काट लिए, उसने अभी क्या किया, कुछ ऐसे जगह का आश्रय ले लिया, ऐसे पेड़ का आश्रय ले लिया जो विषैला है, और विषैले पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, है ना। तो जब व्यक्ति को अपने जीवन में इतने सारे कष्ट आते हैं, अलग अलग कष्ट आते हैं, घर में आ रहा है, पड़ोसियों से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, तो वो क्या करता है, इलीगल काम करना चालू कर देता है। तो जो इम्पायस ट्रीज हैं, जो पाप में जो पेड़ हैं, उनका आश्रय लेना मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटी करना है ना, ब्लैक मार्केटिंग, कुछ ब्लैक काम चालू हो जाता है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही है उसे। अभी फिर उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, बाहर दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और सामने क्या लगी, उसको नदी दिखी, है ना। और नदी दिखी, बहुत समय से उसने पानी नहीं पिया, और उसने जंप लगाया, और जंप लगाया तो दिखा उसमें पानी था नहीं, और सिर उसका फट गया। तो ये जो नदी है, इसकी तुलना किससे की गई है, ढोंगी साधुओं से, है ना। लोग इतना परेशान है जीवन में, इतने लोग परेशानी दे रहे हैं, गवर्नमेंट परेशानी दे रही है, ये परेशानी दे रहा है, पूरा मन में फ्रस्ट्रेशन आ गया है, चलो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास में जाते हैं। किसी गुरु के पास में जाते हैं, वो भी ऐसा सॉल्यूशन देते हैं कि उससे और बड़ी समस्या चालू हो जाती है। या गुरु बोलते हैं, बस आप मेरे अकाउंट में पैसे डालते रहा करो, सब आपका बढ़िया हो जाएगा, आपके ऊपर कृपा आ जाएगी। कोई वो कोई संदेश नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई शास्त्रों की चर्चा नहीं, बस क्या है, आप डोनेशन देते रहा करो। तो ये जो नदी है, उसको लग रहा है व्यापारी को कि नदी में मैं जाऊंगा, वहां पानी मिलेगा, और उसका सिर टूट गया। ऐसे वो ढोंगी को साधुओं के पास में गया, बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसे केसरीय वस्त्र पहने हैं, है ना, ऐसे संस्थाएं हैं, और भगवान के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जीवन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे वेग आंसर देंगे, है ना। बहुत एक प्रसिद्ध गुरु हैं, है ना, तो उनसे पूछा गया कि भगवान है कि नहीं है, तो बोलते हैं कि भगवान है भी और नहीं भी है, अगर आप मानो तो आपके लिए भगवान है, अगर नहीं मानो तो आपके लिए भगवान नहीं है। तो अगर आपकी भावनाएं हैं, मानना है तो आप मानिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आपके लिए भगवान है। अगर कोई नहीं मानना चाहता है, उसको फॉलो करे, तो उसके लिए भगवान नहीं है। तो आपकी इच्छा है, उसको मानो या ना मानो। अगर मेरी इच्छा होती तो आपसे पूछने क्यों आता मैं कि भगवान है कि नहीं, फिर मैं आपके पास आता ही क्यों आपका सेमिनार अटेंड करने, जब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रहे हो कि भगवान है या नहीं है। तो ऐसे वेग आंसर देते हैं, ऐसे अस्पष्ट आंसर देते हैं, है ना। फिर इंटरव्यू हो रहा था, किसी अच्छा इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, तो जो गुरु है उनसे पूछा गया कि जो इलिसिट रिलेशनशिप है, अवैध स्त्री पुरुष संघ है, वो सही है कि नहीं है। बोले उसमें गलत क्या है, अगर मन आपका शुद्ध है तो सही है, और अगर मन शुद्ध नहीं है और आप वैध संघ भी बना रहे तो भी गलत है। तो ये तो मन शुद्ध होने और अशुद्ध होने पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मतलब अपने आप को गुरु बोल रहे हैं और क्या टीचिंग्स दे रहे हैं, और उसको इतने लोग सुन रहे हैं, इतने उनके लाइक्स हैं, इतने व्यूअर हैं, और क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे जो ढोंगे गुरु के, इसलिए भागवतम में क्या बताया है, कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे जो लोगों की जेब खाली करने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम होंगे जो लोगों के अनर्थों को दूर करने में एक्सपर्ट होंगे, है ना। तो ऐसे जो सैलो रिवर्स, वो व्यापारी वहां पर कूद पड़ता है। फिर पहाड़ी आती है, ऊंची पहाड़ी, एकदम कंकड़ हैं, पत्थर हैं, भूखा प्यासा पिटा हुआ चल रहा है, पहाड़ी पे चलना है, चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, बहुत सारे कंकड़ हैं, चुभ रहे हैं, है ना। तो जड़ भरत बोल रहे हैं, ये सब पहाड़ी क्या है, ये हाउस होल्ड सेरेमनीज, जो बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, है ना। और कलयुग में बताया भी है कि अगर किसी ने अपना घर, अपना जो गृहस्थी है, उसको संभाल लिया, तो राज्य को संभालने के समान है वो। जैसे कोई राज्य कर रहा है, इतना इतनी बड़ा उसने अचीवमेंट कर लिया, है ना। तो ये अलग अलग तरह की जो अनुष्ठान हैं, वो सब क्या है, आजकल जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे वो महाभारत में आता है ना,
कि युधिष्ठिर महाराज के पास में व्यक्ति आता है और बोलता है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते क्या हो गया, बोले हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। बोलते अरे हाथी निकल गया पूंछ अटक गई, ये क्या हो गया? तो बाद में पता चलता है हाथी निकल गया पूंछ अटक गई मतलब लोग जितने भी अलग अलग तरह के अनुष्ठान है, जितने तरह के फंक्शन है, उसमें बहुत पैसा खर्च करेंगे क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा आ रही है ना, प्रतिष्ठा का कंपटीशन चल रहा है, प्रेस्टीज का कंपटीशन चल रहा है, उसमें बहुत खर्च करेंगे। लेकिन भगवान की सेवा में कुछ करना होगा, उसके लिए क्या होगी, पूंछ अटक जाएगी, उस समय भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं निकलेगा। बोले भगवान को क्या चाहिए, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान तो पूरे जगत के स्वामी हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? फिर ऐसे ऐसे वो फिलॉसफी लेके आएंगे। तो ये जो पहाड़ी पर चढ़ रहा है व्यापारी, वो क्या है, हाउस होल्ड सेरेमनी से। फिर उसको बहुत सारे लोग आते हैं, अजगर भी आएगा बीच में, एक सांप भी आएगा, मधुमक्खी का छत्ता आएगा, वो सब उसको पार करता जा रहा है, संघर्ष करता जा रहा है ना, जिम्मेदारी लिया हुआ है। क्या जिम्मेदारी, वो जंगल में उसको आने नहीं चाहिए था क्या जिम्मेदारी उसकी पहले वो जंगल में आया और फिर सांप काट रहे हैं उसको और मधुमक्खी काट रही है, वो सोचा मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसको और भी आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, 5वां स्कंद है, अध्याय 14 है, बहुत विस्तार से इसमें बताया है। तो इस तरह से अंतिम में पूरा समझा के जड़ भरत है राजा रघुगण को पूरा उपदेश दे देते हैं, राजा रघुगण समझ जाते हैं, अपने उनसे माफ़ी मांगते हैं और राजा रघुगण भी सेल्फ रियलाइज्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये राजा रघुगण और जड़ भरत का जो वृत्तांत है वो समाप्त होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये 5वां स्कंद में जो डिस्कशन करना था वो हो गया, कल से 6ठा स्कंद प्रारंभ होगा, अजामिल का वृत्तांत। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ये काफ़ी बहुत हैवी है, इसको हमने कुछ पार्ट लिया है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ेंगे तो एकदम प्रभुपाद जी हिला देंगे पूरा। प्रभुपाद ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि पूरे संसार में चल क्या रहा है, उनके जो तात्पर्य में हमने कुछ थोड़ा उसकी कुछ झलक देखी है। किसी का कोई प्रश्न है? तो सारांश में ये है, भरत महाराज पहला जन्म हुआ, दूसरा जन्म हिरण का हुआ और तीसरा जन्म जड़ भरत का हुआ। तो वो जो हिरण बने और बाद में जड़ भरत बने, उनको पनिशमेंट मिला, लेकिन पनिशमेंट क्यों दी गई, जिससे उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, और तेज हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो भरत महाराज होते हैं, भरत महाराज तो मरने के समय हरिण का मतलब डियर का चिंता किए थे, याद आया था उन लोगों को। तो हरिण का जन्म होने के बाद, मरने के बाद फिर से मनुष्य जीवन कैसे मिला हम लोग? हिरण में, हिरण का शरीर मिलने के बाद, मरने के बाद हिरण का शरीर मरने के बाद फिर से मनुष्य शरीर कैसे मिला हमको? तो जब हिरण के शरीर में थे तब वो केवल वही याद कर रहे थे कि पिछले जन्म में मैंने क्या गलतियां किया है, और भगवान का ही स्मरण कर रहे थे, इसकी वजह से उनको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। क्योंकि हिरण के शरीर में वो साधना अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी उनकी, लेकिन उनको तीव्र उत्कंठा हो रही थी, इसलिए उनको अगला जन्म क्या मिल गया, मनुष्य का मिल गया। दामोदर स्वरूप प्रभु, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, भक्तों में दैवी गुण जो है स्वाभाविक आ जाते हैं भगवान की कृपा से। सो भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो दक्ष होते हैं हर एक चीज में, और समाज में भी भक्तों को इस प्रकार से कह दिया जाता है कि देखो तुम तो बहुत ज्यादा वहम करते हो, चार नियमों का पालन करते हो, भक्ति को सहज लेना चाहिए। तो अगर इसका जड़ भक्त का दृष्टांत देखा जाए तो वो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, है ना, तो फिर क्या क्या वो भौतिक भौतिक जो हमारे को भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या उनको ठीक कहेंगे या जड़ भरत का वृत्तांत कैसे, मतलब समझ नहीं आया कुछ।
देखिए, अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान अलग अलग चीज सिखाना चाहते हैं। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, ठीक है, वो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, अपना इस तरह से वेशभूषा धारण किया है ना, जहाँ शौचालय है वहां जाके वो जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो उनके द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि निराशक्ति का अर्थ क्या है। तो उसी तरह से जड़ भरत के द्वारा भगवान बताना चाह रहे हैं, जड़ भरत एक प्रचारक के रूप में नहीं है, है ना, वो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना हमको सावधान रहना चाहिए। और दूसरा है निराशक्ति का अर्थ क्या है, या मान अपमान से ऊपर उठने का अर्थ क्या है। तो वो जड़ भरत के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग समझाते हैं। तो जड़ भरत जो है वो कोई सोशल कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो प्रचारक हैं, अभी जो इस्कॉन में है, इस्कॉन में भक्ति का पालन कर रहे हैं, उनको भी ऐसा नहीं है कि जो समाज के नियम है उनके अनुसार ही चलना है। जितना समाज के अनुसार चल सकते हैं ठीक है प्रचार करने के लिए, लेकिन जहां पर अगर हमें अपने भक्ति के सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो हमें समाज को भी छोड़ना पड़ सकता है। तो समाज तो क्रिटिसाइज करेगा, भक्ति करेंगे तो क्रिटिसाइज करेगा, भक्ति नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज करेगा। तो समाज को देखे चलेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम तो। जी हरे कृष्णा। जी जी प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है कि जो जड़ भरत हैं वो पागलों जैसे बिहेव क्यों करते थे, वो सामान्य तरीके से भी व्यवहार कर सकते थे। क्यों ने पूछा है जड़ प्रश्न, विजय रावत जी का प्रश्न। तो जड़ भरत पागल की तरह व्यवहार क्यों करते थे, सामान्य की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि अगर सामान्य की तरह व्यवहार करते और फिर से उनका किसी की तरह किसी के प्रति आसक्ति हो जाती, इसने हो जाता तो फंस जाते। तो इस तरह से पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे जिससे कोई उनको आसक्त हो ही नहीं, कोई उनसे घुलना मिलना नहीं चाहे। तो जो उनसे गलती हुई थी हिरण से आसक्त होने की, उसकी भरपाई करने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। अभी किसको कैसे व्यवहार करना है वो गुरु से पूछना होगा। ऐसा नहीं कि हम भी आर्टिफिशियली जड़ भरत की तरह या ऋषभ देव की तरह या गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनकी तरह से करने लगे। हमें एक जो साधक है जैसे एक उसकी तरह व्यवहार करना है। जी स्मृति करुणा माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण पूजन, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आप जब बता रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन जो है, जो हमारी संस्था जो है वो ऐसे फ्री में रहने की नहीं है, हमें यहाँ पे सेवाओं में संलग्न होना है, तब आपने बोला था कि जब हम सेवाओं में लीनियंट होते हैं तो हमारे अनर्थाज आगे आते हैं। क्या था? अनर्थाज। हाँ, अनर्थाज आते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी? और क्या ये कहीं से नर्थ निवृत्ति स्टेज से कुछ कंसर्न है इसका, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जब हम आलस हो जाते हैं, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो अनर्थ आ जाते हैं। तो आलसी होना या रिलैक्स होना वही अपने आप में एक अनर्थ है ना। और जैसे ही हम आलस होंगे तो आलस हर चीज में आएगा, सेवा करने में आलस आएगा, साधना करने में आलस आएगा, प्रचार करने में आलस आएगा। तो धीरे धीरे नाम जब भी कम होता जाएगा है ना, भक्तों के साथ में संग मिलना भी कम होता जाएगा, तो आलस मतलब हर चीज में आएगा वो, और फिर वो अनर्थ। तो ये अनर्थ निवृत्ति है, अनर्थ निवृत्ति की अवस्था है कि हम आलसी हो जाते हैं। ठीक है निखिल, मिथिल मिथिल जी आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी जड़ भरत जी जो थे थोड़े पागलों जैसे रहते थे। नहीं, नहीं, थोड़े पागल नहीं थे, वो सही थे। वो अच्छा? थोड़े पागल नहीं, वो पूरी तरह से सही थे, हम पागल। ओके। और वो पर वो हाँ में हाँ मिलाते थे सब में, और हाँ। कभी ऐसा कुछ अपोज नहीं करते थे अपने हिसाब से, तो जैसी लाइफ जा रही है वैसी। तो हमें भी क्या यही करना चाहिए या फिर थोड़ा अपोजिशन? हम कैसे करेंगे? हमको खाना नहीं मिलेगा, हमारी नींद नहीं होगी, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, तो हम चिंता हो जाएंगे ना। वो तो शरीर के स्तर से पूरे हटे हुए हैं, उनको शरीर की कोई परवाह ही नहीं है। हम तो शरीर के स्तर पर है ना, तो शरीर के काम ऐसे करना है जिससे भक्ति करने में सहायता मिले। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर भी नहीं पाएंगे,
एक दो दिन आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर ट्राई कर भी सकते नहीं ट्राई कीजिए अच्छा है, एक परसों मुझे फोन कीजिएगा आप कि ट्राई हो पाए कि नहीं, जो भी मिले उसी में रहे, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया कर लिया, क्योंकि हमारा अंदर ईगो इतना है, अहंकार इतना है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, वो तो अहंकार से मुक्त हो चुके हैं, वो तो शुद्ध अहंकार में है, अपने आप को कृष्णदास की तरह देख रहे हैं। सही प्रभु जी, जी ओके थैंक यू प्रभु जी, शुक्रिया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है, जड़ भरत पहले हिरण थे, उससे पहले भरत महाराज थे, और उनके जो पिता हैं ऋषभ देव ने उनको शिक्षाएं दी थी, पूरी तरह से विस्तार से शिक्षाएं दी थी, तो एक तरह से उनके जो पिता थे ऋषभ देव उनके गुरु थे, और जब जड़ भरत बने तो उनको अपने सारी शिक्षा याद थी, तो फॉर्मल कोई दीक्षा नहीं हुआ जड़ भरत का इस जीवन में, लेकिन उसके पिछले से पिछले जीवन में तो उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली है अपने पिता से, अपने आध्यात्मिक गुरु से ऋषभ देव से। मन की चेतना आसक्त हो जाए तो केशव की भक्ति असंभव है, उस चेतना को कैसे निकालें? वही है, आसक्ति को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर बहुत सारी चीजों के प्रति आसक्ति है तो उस आसक्ति को भक्तों पर और भगवान पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हमारी छह सेंसेस साथ ना दें, तो छह सेंसेस की जो लगाम है वो मन है, और मन की लगाम है बुद्धि, तो बुद्धि से समझना होगा। जड़ भरत ने शुरू से ही कृष्ण भक्ति ज्ञान क्यों नहीं दिया सबको? तो मैंने बताया ना कि हर भक्त का अलग स्टेज होता है, हम बोल सकते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने क्यों नहीं दिया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्यों नहीं दिया, तो हर भक्त एक अलग उद्देश्य से आते हैं, तो प्रचार के उद्देश्य से नहीं आए, वो इस उद्देश्य से आए कि जो गलती हुई है वो गलती को खत्म करके भगवत धाम वापस जाना है, है ना, तो हर भक्त प्रचारक नहीं होता है ऐसा। कोई अगर संसार से बाहर कैसे निकले, तो भागवतम पढ़े, जो हमने चर्चा किया वैसे ही, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जड़ भरत की जय, भरत महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, मैत्रेय मुनि की जय, महात्मा विदुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।